मेरे पास सुनो, आपको ना किसी का कमेंट है, मतलब हम दोनों को ये ठीक है, वो ना हर वीडियो में कमेंट करते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मरीना लिनी कोल 76 पता नहीं 7464 ऐसा कुछ था, उन्होंने लिखा आंचल इज अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ लवली मदर। ऐसे क्यों? चलो ठीक है, थैंक यू मैम, मैंने आपका कमेंट हर वीडियो में रीड किया और मेरा मन था कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन अब जाके किया, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल मेले की थकावट उतार के उठ के देखा तो मम्मा ने सारा काम ऑलमोस्ट किया हुआ है और आज जाना है मुझे घर, मुझे मतलब हम सब घर जा रहे हैं आज होली के नेक्स्ट डे, जिससे हम होला मोहल्ला भी बोलते हैं, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है कि अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे में बहुत रश होता है, वहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ये जितना मेरे को पता है। और सुबह सुबह मम्मा ने हमारे लिए के घर में पैक करके हमें भेजेंगे चने, आलू, फलियाँ और सुबह नाश्ते की भी मम्मा ने तैयारी करके रख दी है, गोभी कद्दूकस कर दी है और फटाफट से सारी सब्जी भी रेडी है, मोमा भी रेडी है हमें निकालने के लिए, मतलब भेजने के लिए। मैं पही हूँ, मतलब मेरे को है कि घर को जाके देखो 3 से 4 दिन वो ऐसे बंद रहा है, सबसे ज़्यादा स्मेल नहीं, बहुत अजीब सी ना स्मेल आती है किचन से, और मेरे को है घर जाऊँगी फटाफट से सफाई करनी है जो मर्जी हो, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। मम्मी को पता क्या है कि शाम को जाएं, सिर्फ इनका काम क्या हो कि खाना तो बना ही दिया होगा, चपाती भी बना के भेजनी मम्मा ने, तो सिर्फ ये जाके खाएंगे और सो जाएंगे। मैनू पता मम्मी का, एंड मेरा क्यों दही और दूध लेके आई मैं स्कूटी पे, और मेरे को ऐसा जब मैं खुद, क्योंकि मैं अकेली गई थी और मैं चला रही थी ना, मेरे को ऐसे लगे मेरे पुराने दिन वापस आ गए, मैं ऐसे जाती थी हवाई, मतलब स्कूटी तेज चलाती हूँ मैं वैसे, और मतलब मेरे को ना जब मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जो मैं फील करती थी जब मैं स्कूटी चलाती थी ना, जो उसकी हवा आती है ना उसे भी फेस पे लगनी, मेरे को एक ऐसी फील आती थी कि अब मैं आज़ाद हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को शादी के बाद मैं, मेरे को फ्रीडम नहीं है, हर चीज़ में फ्रीडम है, लेकिन वो एक जो शादी से पहले वाली वाइब होती है ना वो बहुत अलग होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन होती है स्टडीज़ के रिलेटेड, तो वैसी वाइब आ रही थी कि हाय। बस एक चीज़ थी मेरे हाथों में चूड़ा था, बाकी पूरा ऐसे लगे कि मैं सिंगल लाइफ जी रही हूँ, मतलब ऐसे दही वगैरह लेके आ रही हूँ, पहले भी ऐसे था, बस मम्मा मेरे साथ हर जगह बताते थे, जैसे शॉपिंग वगैरह कुछ भी करनी, मेरे को चॉइस मिल जाती थी मम्मा के साथ जाके, लेकिन ऐसे छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी तो वो मैं खुद ले आती थी, सब्जी ले आती थी, तो वही चीज़ लग रही थी, और ये मेरा लास्ट डे था तो मैं इसको थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी। या कुछ कुछ होता है या कभी कुछ 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 होता है, काजल मैम का और शाहरुख खान की फिल्म में एक लड़का था छोटा सा सरदार सा क्यूट सा, उसने बोला था वैसे हाथ पकड़ के बोलता है तुम जा रहे हो ना तुम ना जाओ ना, मम्मा भी ऐसे ही है अभी, मम्मा का मन ना बिजी नहीं करे और दिन रुकता और दिन, बट ठीक है मैं फिर आऊंगी, हमको जाना पड़ेगा, अब मेरे दो दो घर है ना, मेरे को दोनों को संभालना पड़ेगा, इधर तो मेरे को इतनी संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, उधर वाला घर संभालना पड़ता है, सब मिल बांध के करना पड़ता है, इधर मम्मा कर लेते हैं, मम्मा को ऑलरेडी सब सेट है, हम जाएंगे तो और सेट हो जाएगा, तो मूड लड़ा लिया हमने। मम्मी तो इतने वीक क्यों ही जा रहे हो, वीक लग रहा है, मैं मोटी होई जांदी, उच्ची लगदी कैमरा च, फिर मैं हुण दूर तो अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट करा ना, ओ मैनू कानून के हाथ बहुत लंबे हो रहा टाइप करना पड़ेगा ना, मैनू नहीं मम्मा इन्ना कहंदी है ना कि एक तो मेरे नाल व्लॉग च आया करो इकट्ठा, ठीक है एक तो व्लॉग च मेरे नाल आया करो बिल्कुल इकट्ठा, इन्हां नू दूसरा वो फड़ लैन करन फोन का कैमरा, क्योंकि मेरे पता नहीं डबल चिन के कारण लगता है इदा, हुण पहले नाल डबल चिन भी घटी है ना, बहुत डाइट कीती है मिट्टी काम हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम अभी सोच रहे कि हम क्या करें, और मैंने नहाई नहाई करनी, मम्मा तो सुबह सुबह कर लेते हैं ना, आवाज़ भी नहीं आती मम्मा किन्ने बजे लगे थे, आप आराम ना 8-9 बजे ना उठ गया, 8-9 बजे मैं किन्ने 9-9:30 बजे उठी थी कर दी ना, सोलन थोड़ी पता है क्या, एक बारी जब सवेरे नींद खुलती है ना उस तो बाद दोबारा और गाड़ी आती है,
मैं तद नहीं डिस्टर्ब किया, मैं घर जाके यही कुछ ही करना ही रेस्ट कर लो, पर तद भी प्रीति नहीं उठ गए जल्दी। वो जल्दी उठ जाते हैं। हाँ दीदी उठते हैं, ठीक है, मैनू सवेरे सवेरे कॉल आएगा उन्हों का, कई बार उन्हों का मन लग गया इतने। हाँ पूरा कुछ नहीं, हो किन्ने दिन, चार दिन हुए ना उन्होंने फोर्थ डे, अच नहीं थ्री नाइट्स फोर्थ डे, फोर्थ डे अच, बट आज हम चले जाएंगे। क्या किया है होला मोहल्ला ना, तुझे तो सगा तुम कुछ पता है भाई, कुछ नहीं बता लगे नहीं होला मतलब पापा कहते कि ता रूट हो रहा उन्होंने हो रहा नहीं रूट नहीं है रूट बारे कुछ नहीं बोला मतलब कि होला मोहल्ला की दे बारे क्यों कितने सेलिब्रेट होता है इतना कुछ नहीं पता था ताड़ी साइड ही उधर अनाथ साइड शायद वापसी आज ना उन्हें दी दो दिन रहता कुछ ऐसे ही है। नाश्ते में बनी है परौंठी, उधर लगाए टीवी, देखो कैसी शेप में मैंने काटे क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था तो वो ऐसी ही शेप में कट हो रहा था। मैंने खुश्क रोटी नहीं नहीं होना मेरा गला, अब बोला मम्मी तो नहीं ये दीदी और यही खाएंगे खुश्क, मेरे से नहीं खाई जाती। तो चीनी का पराठा बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है कैसी पराठा नहीं बोल खुश्क रोटी बोलो, खुश्क रोटी के गोभी पाई हुई जिस टाइम इसको काम होता है बहुत लगाती है ये। लाइट हो उसमें लग रहा ना बहुत अच्छी तू बनाएगा ना तेरे घर में मेनू आंदे है आंदे है तू बनाते नहीं कोई गल खवाऊंगी। लास्ट डे जब सब इकट्ठे बैठ के खाना पीना बातें चलते हो रही है, अब हम चले जाएंगे, वो भी बैग पैक है मेरा, चेंज करके निकल जाएंगे। जाने लगी हूँ घर और ये मैंने डाला है, ये मैंने उस दिन आपको दिखाया भी होगा, ये मैंने डेनिम स्टोर से लिया था और इसके साथ ये क्रॉप टॉप वाली शर्ट तो मेरी थी टी शर्ट, ये डाल के मैं जा रही हूँ, मम्मा बना रहे हैं हमारे लिए खाना, अब चल ले और मम्मा ने हमारे लिए मिठाई भी मंगवा दी कि मोटे चंगे थे कि ना वो मम्मा पतली लेती भी ना इस एदे विच है ना एक तो पता लग गया मैं थोड़ी बहुत पतली हूँ और मम्मा और लेके आ रहे कितना सारा ये मेरा सामान अब रखे कहा ये बैग आ गया रात नहीं आएगी ना? तेरी आएगी। मैंने पहले भी यही बोला क्यों आपको याद तो नहीं आएगी मम्मा की मेरे को हाँ। नहीं दीदी को आएगी या मम्मी का खाना मिला जब मम्मी नहीं है तो मैं तो रोटी नहीं खाती नहीं खाती इन्हें प्यार ना नहीं खाती हाँ हाँ प्यार मम्मी रोटी बनी पी जल खानी खा रहे हो अच्छा मैं लगी तो दीदी बताना ये मेरे को ऑर्डर देते मैं क्या ऐसे बोला कर ये मत किया कि ताजी ताजी खा लो मम्मा ऑर्डर देंगे सीधा रोटी पा दी हाँ रोटी पा गाइस ना मेरे को ये याद करेंगे ना मेरे को ये याद करेंगे तू ही इधर आ लो जद दिल पा दे मापे तेनू कट रोणगे ओ केड़ा गाना ही मैं तेरी याद च चन्ना हां शुगर हो गई तेरी याद च रो रो के मैं शुगर हो गई हां चली आ सही बाजे तू ही बाजे मैं अगे ही बैठना ए कहते पैसे मैंने जड़े आपको कैसा लगा सबसे मिलो बहुत अच्छा लगा आपको एक रिफ्रेशमेंट मिली हाँ चलो बाय मैं जा रही हूँ अच्छा तेरू होना मम्मी रोना नहीं दिया नो ना रो मेरे को नहीं जाया जाना आप बेबू मैं मार चढ़ा ही हूँ चलो मैं जा रही हूँ माँ जा रही हूँ बड़े पैर से अच्छा लगता है बहुत सड़क पे काम कर रहे थे थोड़ा काम करवा रहे थे सॉरी
तो हम उनसे मिलके जा रहे हैं। बाय पापा जी। हो गए काम शुरू तेरा ना? ओ जाते चक्कर दे जान दे। हां ओ दो दिन में काम चल गया। ओके बाय। तब का बोल रहा है कि इन्होंने जब दीदी आ रही थी ना उस टाइम पे कुछ नहीं ले लिया, बट दी हमारे भी लड़कियों मतलब मेरे ससुराल वालों से कुछ नहीं लेते नहीं और तुमने से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी मम्मी हमें कुछ दे तो हम भी आंटी को दे। आपने भी दे दिया, इन्होंने मेरे भाइयों को सगन दिया, वैसे हमारे लिए नहीं है तो उनके लिए सूट लेके देना। नहीं 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 प्लीज 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 नहीं, आंटी को अच्छा लगेगा। मेरे मम्मा के मन में मम्मा नहीं, हमारे ऐसे होता है कि अगर मेरे ससुराल से कुछ जाएगा ना वो उनके लिए क्या बोलते पार पै जाता है ना तो इधर बोलते कुछ। जब तुम लड़की तुम अच्छा तो मम्मी सबको गिफ्ट देते रहे और तुम्हारी मम्मी को कोई ना दे, अगर आंटी दे रहे तो हम भी उनको देंगे। हमारे हमारे ऐसे होता है कि जैसे आप कुछ दोगे ना हमें करके देना पड़ेगा। शिमला गए थे वो सूट किसने लिया था? मैंने। तुमने लिया था ना? तो मम्मी को दिया था ना? तो मैं दे सकती हूँ ना। अच्छा तू क्या स्पेशल है उनके लिए? कुछ ऐसी चीज देंगे जो आंटी को। जिस जगह पे हम घूमने जाएंगे ना वहाँ से कुछ स्पेशल चीज लेके आएंगे। ठीक है, अगला कभी देखा ना? नहीं नहीं देखा मैंने, नहीं देखा यार। मैं कितने दिन पहले शुरू हो जाती रोना। मेरे को इतना पता है कि ट्रैफिक होती है, बस इतना पता है। अपने घर आ गई, हम घर आ गए। कैसा लग रहा है आपको? गले खराब हो गए, इनको नींद भी आ रही है, बुखार भी है और गला भी इनका पूरा। इनको मैंने कल बोला ये सुनते नहीं, मेरी सच्ची में मजाक नहीं करी। इनको मैंने बोला आप कुछ भी खट्टे वाली चीज ना खाओ क्योंकि ये खाते हैं, इनको बुखार होता है, इनको ये चीज पता है, बट ये करेंगे वही चीज। इनको मैंने मना किया, ये नहीं सुने। अब इनका गला भी खराब है। मम्मा देख लो आगे से कोई मानी नहीं बन गई। लोग बोलते कि शादी मत करो, ऐसा होता है ऐसा होता, पर मैंने फिर भी की ना। मैं नहीं जी सकती आपसे। सफाई वाला दिन कल ही करूंगी, अभी भी थोड़ा देखती हूँ करती हूँ। अभी खाना टड़ा को खोल के देखती हूँ कैसा होगा। टड़ा, हर लड़के की आदत होती है कि नहाने के बाद तौलिया बेड पे ही होता है। उप्स, बहुत साफ करना पड़ेगा। सो गाइस, आते ही घर पे प्रीति और आंचल घर के अंदर और मैं खेत में, क्योंकि मेरे को उत्सुकता होती है कि अपनी खेती बाड़ी जाकर के देखूं कि क्या चल रहा है खेत में। तो कुछ नहीं चल रहा है, थोड़े थोड़े पेड़ पौधे बड़े हो चुके हैं और भिंडी मैंने लगाई थी उसके भी इतने इतने पौधे निकल चुके हैं और बाकी सब देख लेता हूँ एक बार। और बेलें लगाई थी मैंने घिया की, वो निकल चुकी है, बाकी नहीं निकली। बाकी मेरे को मार्केट से मूल खरीद के बेले लेके आनी पड़ेगी। घर तो आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। ये मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आती मैं अपने ससुराल में आ रही हूँ, ये मेरा घर है। इस ये मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आती कि ये मेरा घर है, बस और कुछ नहीं, मेरा और हमारा। दी दूध ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ दूध, बाकी मैं नीचे बाद में करती हूँ। अब चलते ऊपर चाय बना के। दी खाना खाओगे लेके आऊं खाना? ले आओ। ये घी की बेल है, इसमें पानी लगाऊंगा मैं। इसको रोज पानी की जरूरत होती है क्योंकि जमीन में ना पानी आजकल गर्मी की वजह से जल्दी सूख जाता है। मैंने कुछ पौधे ना फूलों के लगा दिए थे ऐसे, तो काफी अच्छे खिल रहे हैं और खेत की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। और ये है कौड़ी सौंफ, तो ये फूल चुकी है और इसमें भी दाना पले। इसमें दाना निकलेगा ना, दाना हम निकाल करके रख लेंगे क्योंकि ये वाला जो दाना है ना इसको जब किसी को लूज मोशन लगते कुछ होता है तो कौड़ी सौंफ खाने से वो ठीक हो जाता है।